दिन बता, तूने मोंटू को कहीं वो क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग पहले ही नहीं दे दी ना? अरे नहीं। अरे पुकी, ये सवाल तू मानो को नहीं, मेहर को पूछ, और ये भी पूछ, उसे माइक चाहिए क्या? उसे बताना पड़ेगा ना उसे कैसा महसूस हो रहा है। और मेहर नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। मैं उस पतंग को जाने नहीं दूंगी, वापस लेकर ही रहूंगी। अरे क्या कह रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हम ना एक बात फिक्स कर लेते हैं। सिक्स नहीं, फिक्स। हाँ वो वही सेम टू सेम। देखो हम फिक्स कर लेते हैं, आप एक सिटी बजाओगे तो आपको पानी चाहिए, आप दो सिटी बजाओगे तो आपको चाय चाहिए, और आप तीन सिटी बजाओगे तो आपको पंच चाहिए। मोटा भाई देखा, तीन बार सिटी बजाई, इनको पंच चाहिए, मैं देता हूँ पंच। रॉकी नहीं, माँ का मतलब माँ, पंच नहीं लंच। वही सेम टू सेम। ठीक है तो अब आप सिटी बजा के बताइए कि आपको क्या चाहिए। माँ आपका आइडिया फ्लॉप है। माँ बाबूजी ने चार सिटी मारी, देखो ना। देखो हमने ये चार बार सिटी का अभी फिक्स नहीं किया है, ऐसा मत कीजिए आप। ये एक मिनट माँ, एक मिनट बापूजी, मैं आपको पेन और पेपर देती हूँ, आप लिख कर बताइए आपको क्या चाहिए। ये लीजिए। डॉक्टर? अच्छा चौथी सिटी मारेंगे तो डॉक्टर है ना बापूजी? ऐसा बोले ना तो फिर। चलो अभी फिक्स है, अभी एकदम फिक्स। एक सिटी यानी पानी, दो सिटी यानी चाय, तीन सिटी यानी पंच लंच, और चार सिटी यानी डॉक्टर। हाँ हमें तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना सिटी निकालने के लिए। हाँ बुला। एक मिनट, एक टेरिफिक आइडिया मेरे दिमाग में आया। माँ डॉक्टर यहाँ के क्या करेगा? वो ऐसा वो पकड़ से बापूजी के गले में से अंदर से ऐसा वो सीटी खींच के निकालेगा बराबर। माँ कामों का खर्चा क्यों करने का, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। सीधा जाओ पकड़, टॉर्च चिमटा जो मिले वो लेके आ जाओ। अरे आप सीटी मत बजाइए, अब आप सीटी बजाएंगे तो सीटी अंदर तक चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मुझे तकलीफ होगी ना। बापू जी हिलिए मत, अरे सिटी के साथ एक दांत भी निकल जाएगा फिर आपका, हिलिए मत। नहीं सिटी दिख नहीं रही है, शायद अंदर गले के अंदर उतर गई है सीधा। अरे जल्दी सिटी निकालो भाई, मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। ये बोलो यहाँ बापूजी इतनी तकलीफ में है और इसे सिटी लेके बाहर खेलने जाना है। मैं दूसरी सिटी लाके दूंगी। पता नहीं आगे जाकर मेरा ये क्या हाल करेंगे। इसे तो होगा एक प्रकार से बालवीर पे ही वार। अरे वाह, लेकिन है कहाँ वो परी पतंगा।
पतंग कट गई। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार, क्योंकि इसे भी है पतंग से प्यार, इसलिए बनेगी मेरा शिकार। अब इसे पतंग टोकरे जाकर उसी डोर से बांधू, ताकि ये मेरे लिए मणि लेकर आ सके। आ गई परी पतंग। बेटा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो तुम? वो मेरी फेवरेट पतंग कट गई, इसलिए मैं उदास हूँ। ओ, लगता है पतंग बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। हाँ, मुझे पतंग बहुत अच्छी लगती है। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार, वो बनेगा पतंगा का शिकार। वो कितने कलरफुल होते हैं। मुझे दादाजी हमेशा कहते हैं कि पतंग हमें खुले आसमान में उड़ना सिखाती है। मुझे भी पतंगों की तरह लहराना और खुले आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। खुले आकाश में उड़ना है ना तुझे? ठीक है, मैं उड़ाऊंगी तुझे। तैयार हो जा अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए। अरे मत करो अपना समय व्यर्थ, उठा लो इस बच्ची को। और वो हमें ये। आंटी, आंटी कहाँ चली गई? वो अभी तो यही थी। पता नहीं। वाह, कितनी ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं इस पतंग को लेकर जाती हूँ और सबको दिखाती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। भाडू भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन तुम यहाँ वो भी बच्चे के रूप में? वो आया मैं भी यहाँ पतंग उड़ाने का आनंद लेने बालवीर। तो भाडू भाई, अरे बालवीर नहीं, बल्लू। गया था मैं, भूल ही। ये देखो बालवीर, बल्लू है ये पतंग मेरी है जी। रानी परी ने मुझे ये पतंग, ये देखो। वाह, बहुत खूबसूरत है। और ये देखो बल्लू, है दी बाल परी ने मुझे ये डोर। और है पता तुम्हें है क्या विशेषता इसकी? नहीं। अरे है बनी ये डोर बाल परी के मजबूत बालों से। हाँ, नहीं काट सकते किसी भी लोग की कोई भी डोर इसे। और है मजे की बात ये कि उड़ाने वाले की नहीं कट सकती उंगलियां भी इससे। अच्छा। हाँ, ये डोर तो बहुत ही अच्छी है। हाँ। लेकिन डुबा डुबाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ उन बच्चों के साथ पतंग उड़ाओ। अरे देखो पतंग स्पर्धा शुरू हो चुकी है। मोंटू, केवल, मानव, सलोनी, वानी, पुकी सब। अरे हाँ, मेहर, मेहर कहाँ है? वो तो अपनी कटी हुई पतंग के पीछे भागी थी, लेकिन अब तक लौटी क्यों नहीं? बालवीर, बल्लू, हुआ क्या? कुछ नहीं डुबा डुबाई, तुम जाओ बच्चों के साथ खेलो, मैं आता हूँ। चला मैं तो पतंग उड़ाने। कहाँ होगी मैं? देता हूँ तुम्हें चुनौती, कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे काया।
मेरी तौबा तौबा के अनुसार भयंकर परी कोई चाल तो नहीं चल रही। मुझे मुझे मेहर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। कहीं मेहर संकट में तो नहीं फंस गई। मुझे मुझे अभी जाके पता करना चाहिए कि आखिर ये मेहर गई कहाँ। अचानक गायब कहाँ हो गई? कहीं तौबा तौबा और भयंकर परी ने उसे अगवा तो नहीं कर ली? अगर ऐसा है तो मैं उनके मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे महल को किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। बालवीर, था कहा ना मैंने तुम्हें कि ले जाऊंगा उठा के बच्चों को तुम्हारी नाक के नीचे से। लो उठा लिया ना तुम्हारी दोस्त को। वो भले ही उठाया परी पतंगा ने उसे, लेकिन हुई तो चुनौती मेरी ही पूरी ना। अब ढूंढते रहे ना उसे यहाँ वहाँ, अरे नहीं मिलेगी वो तुम्हें। मेहर, मेहर, वाह है लगता आकाश कितना अच्छा सुंदर रंग बिरंगे पतंगों से है। आरा कितना मजा लड़ाने में पैच और काटने में पतंग इस मजबूत डोर से जो है बनी बाल परी के बाल से। चलो नहीं कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है, पर ये मैं बिना ये मजा छोड़ के पता नहीं अपने कटी हुई पतंग के पीछे भाग गई। छुपन छुपाई खेल रहे हो? अरे छुपन ढील ले, हाँ ले ले ले, सॉरी सॉरी सॉरी। वेरी गुड मानव, इसके साथ ही तुम्हारा स्कोर होता है 7 और तुम सबसे आगे हो और मंटू तुम्हारे पीछे है जिसका स्कोर है 6। बॉस मैं क्या बोलता हूँ, मैं कब से फिर के पकड़ के खड़ा हूँ। तो इधर मुझे भी पतंग उड़ाने दो ना, ठीक ना? 2 मिनट में यहाँ की सारी पतंग काट दूंगा। अभी चुप, गधे कहीं के, पता नहीं स्पेशल पतंग है, इसके ऊपर फैन लगा हुआ है। ये गधे, तू इस पतंग को उड़ा नहीं पाएगा, उल्टा पतंग तुझे उड़ा के लेके जाएगी। स्पेशल पतंग है, चुपचाप फिर के पकड़। काहे की स्पेशल पतंग? बॉस वो स्कोरबोर्ड देखो, मानव ने 7 पतंग काटी और 6। अजीब बेवकूफ, तू मुझे बातों में उलझा के रखता है ना, इसीलिए चुपचाप तुझके पकड़ने तो दूंगा ही। अब बस देख मोंटे तो रेडिश लगाने का कमाल। केवल अब देखना सलोनी की बारी है। के साथ ही मानव और मंटू का स्कोर एकदम बराबर हो गया है ड्रॉ में। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है और कौन विजेता होता है। मानव, अब तो मंटू ठीक से पतंग भी नहीं उड़ा पा रहा था, आज उसने इतनी सारी पतंगें काट दी। ना मुझे लगता है मंटू चीटिंग कर रहा है। करने दे, जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिरता है। मंटू ने गड्ढा खोदा? कब, क्यों, कहां? अरे सॉरी, कॉन्सेंट्रेट। देखा मेरे इम्पोर्टेड मांझे का कमाल, एक भी पतंग नहीं टिक रही है मेरे मांझे के सामने। अब देखना 5 मिनट में पूरा आसमान खाली हो जाएगा सिवाय मेरे पतंग के। है बड़ा इतरा था ये मोटा अपनी डोर पे, है लगता मुझे कि
पड़ेगी दिखानी इसको बाल परी के बालों की शक्ति, काटूंगा इसकी पतंग। केवल देख और एक बकरा आ गया कटने के लिए, चल लपे। नहीं बस इस पर ढील दे। मैंने बोला ना लपेट तो लपेट। नहीं बस बोल रहा हूँ ढील दे दे तो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना लपेट। मैं बोल रहा हूँ ना बस। मेरी बात सुनेगा कि नहीं? नहीं बस मेरी बात सभी लोगों को बोल। लपेट। नहीं बस ढील। कट जाएगी। अरे नहीं कटेगी। बोल रहा हूँ कट जाएगी। अरे नहीं कटेगी। कट जाएगी। हाँ। कट गई। किसने काटी मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लगाने की पतंग? आ गया मजा इस मोटे की पतंग काट के। लेकिन मॉल में कैसे हो सकता है? पर की वायर है। मुझे कैसे पता? इन दिद्दियों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मेरी सिंगापुर वाली पतंग पकड़ के आता हूँ। दुष्ट पतंग, मैं जानता हूँ कि तू कोई बुरी शक्ति है, छोड़ दे इस बच्ची को, कहाँ ले जा रही है इसे? बेवकूफ पक्षी, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? मेरा नाम पक्षायु है, तेरे जैसी ही कोई बुरी शक्ति के श्राप से मैं पक्षी बना हूँ। ओ, तो अभी कमजोर पक्षी मुझसे युद्ध करेगा? हाँ करूँगा, और इस बच्ची को तेरे चंगुल से छुड़ा कर ले भी जाऊंगा। अच्छा तो ये ले। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। खुशियां बांटने से बढ़ती है, और इसी बात को प्रमाणित करके इस हफ्ते की मैं भी बालवीर विजेता बनी है, दिल्ली की प्रीशा सोनी, जिनके साथ है उनकी माताजी सीमा सोनी जी। हाय। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रीशा से कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। जब मेरा बर्थडे था तो हमारी मेड की बेटी का भी बर्थडे था, पैसों की कमी के कारण वो उसका बर्थडे मना नहीं पा रहे थे, तो मैंने अपनी मम्मी की परमिशन से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवाया और अपने पापा से उसके लिए उसका फेवरेट रेड कलर की फ्रॉक मंगवाई और उसके जिग्गे में जाके केक कटवाया और उसके फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट दिया। इससे उसके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ गई। उस बच्ची ने कभी आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया था, प्रीशा की वजह से उसने अपना बर्थडे मनाया। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। इनके इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.